तो गाइस ये लोग निकल रहे हैं, तो बहुत टाइम बाद निकले हैं, बहुत ही ज्यादा टाइम बाद निकले। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं टनाटन होंगे। तो गाइस ये हो रहा है सुबह का टाइम और मैं भी सो के उठा हूं और मैं आया था अपनी गाड़ी के पास सामान निकालने के लिए कुछ। तो सामान निकाल के चलते हैं नीचे की तरफ और देखते सब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आज बहुत सारे प्लान बना रखे हैं कि हम जाएंगे बाहर घूमने वगैरह के लिए, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। तो मैं आपको जो भी होगा बताता हूँ, मिलते हैं घर पहुँच के। तो गाइस फाइनली आ चुका है ये मेरा नाश्ता, जिसमें से इतना सारा सामान मैं खाऊंगा नहीं, थोड़ा नमकीन बिस्कुट लूँगा और ये रही मेरी चाय। और टाइम हो रहा 1:30 मान लो इस टाइम मैं नाश्ता हो रहा है, क्योंकि मैं 12:30 बजे सो के उठा और ये हो चुकी है बिल्कुल नहा के रेडी। इसको हम लाएगी तो आज नहीं, सर्दी हो रही है, वही धूप नहीं आ रही है, इसकी नोज ही आ रही है, साफ कर इसको। तो जल्दी से नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद प्लान देखते हैं क्या करते हैं, घूमते हैं, घूमने जाएंगे या क्या करने जाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ जल्दी से नाश्ता करके। देख लेता हूँ नमकीन खाते हुए, इसने निपटाई लास्ट में, ये खेल रहा है, इसको देख रहा है जिसका झुंझुना बजा रही है। इसमें काम तो है नहीं झुंझुना बजाने के अलावा। ले अपना झुंझुना ले 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 लो, वापिस लो अपना, खेलो जीवा। ये तो मिठाई, ओ लाइट आ गई, अभी लाइट गई हुई थी, लाइट आ गई है। तो गाइज ये लोग निकल रहे हैं, कल इनका फंक्शन था और मैं जाऊंगा कल। शिवा देख आई मत पहना, खाली वैसे कैप पहना दे। तो ये सब इसको विदा करने हैं प्रशांत को, और तो निकलते हैं फिर मिलते थोड़ी बहुत देर में। जय श्री कृष्ण। तो गाइस ये आ चुका है खाना, दाल आलू बैंगन की सब्जी, चावल रोटी दही और गुलाब जामुन और लड्डू है। यहाँ पे पापा खाना खा रहे हैं, यहाँ पे अपने खाना लेके आ गई है और टाइम हो रहा है 3 बजने वाले हैं। और यहाँ पे लगा रखी है इन्होंने, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इन्होंने ऐसे आग लगा रखी है। और यहाँ पे सो रहा नहा के, यहाँ बैठे हैं पीयूष मुखिया जी, ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता है, अध्यक्ष हैं। तो क्या है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो खाना खा के जल्दी से नहाते हैं फिर चलते हैं घूमने के लिए कहीं बाहर। 2000 years later. तो गाइज मैंने पहन रखा है ये और हम जा रहे हैं दानघाटी मंदिर दर्शन करने के लिए जो गोवर्धन के हैं। तो और ये मिरर मैंने ही दे रखा है इधर इनको, ये वाला डिज़ाइन लगा हुआ है इनको। तो इनसे पूछते हैं हम कहाँ कहाँ जाएंगे कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे। और बाहर है बहुत ज़्यादा ठंड, तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। उसके अलावा दानघाटी मंदिर जाएंगे, थोड़ा बहुत खाते हैं कुछ ना कुछ। बस अब खाने पीने जा रही है, दर्शन करने जा रही है, चलो मथुरा चल लो दर्शन करने। अब खाने जा रही है दर्शन करने जाएगी, दर्शन खाएगी तो नहीं ना बाहर। तो ये सब यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे हाथ सेकने के लिए लगा रखा है और इसके लिए रेडी हो गई है। देखे जाए से ये हो चुका है एकदम नहा के, बिल्कुल पैक होकर रेडी हो चुका है। बाहर ठंड, तो जल्दी से चलते हैं मंदिर और देखते हैं बाहर का मॉल कैसा है। तो गाइस हम निकल के आ चुके हैं गोवर्धन के बाजार के अंदर और देखो यहाँ पे रौनक कितनी, यहाँ पे ना यही अच्छा यही लगता है कि रौनक होती है और भीड़ भीड़ इतनी होती है, मतलब बोर नहीं हो सकता कोई आदमी। और तीर्थ भी आते हैं, हाँ उछलता गिर जाएगा, जब भी तो मना करता हूँ उसको, किसी को दिया मत करके उछलता गिर जाएगा। कैसी लगी ठंड वारा क्या तेरे को है ठंड, और देख सकते हो उसमें धुंध कितनी हो रही है। और मार्केट अभी पूरे जोर पे अपनी, यहाँ पे बैरिकेड लगा रखे हैं ताकि दिल्ली नंबर हो कोई भी नंबर हो मतलब यूपी के अलावा तो उसे अंदर एंटर नहीं करने देंगे ये। पर हम तो एंटर कर लेते हैं, तेरे पास तो आधार कार्ड है ना इसलिए हमारी एंट्री हो जाती है, वरना एंट्री नहीं होगी हमारी, जब भी तो एंट्री हो रही है हमारी। और ये जा रहा मौसी के साथ, वो जा रहा उसका मामा आगे।
तो यहाँ से हो गई हमारी एंट्री और ये मंदिर में आ गए हनुमान जी महाराज। हैं इधर चलूं तो वहां से परिक्रमा लगा के आएंगे के नीचे नीचे की साइड। दान घाटी मंदिर है था किसके अंदर के यहाँ से अंदर नहीं गया यहाँ से दर्शन किए रखे मैंने बाहर से किया पूरी वहां देखी धरती पे छोरा लेटा है तो ये भगवान क्या जुलूम है यहाँ पे बहुत सारी देवी देवता की मूर्ति लगा रखी है और लोग देखो कितने हैं गिरिराज जी के दर्शन जो कि है दान घाटी मंदिर और ये रही तन्नु ये रही वो इसका फ्रंट कैमरा चलेगा नहीं तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ दूसरी वीडियो बनाकर। तो गाइज हम आ चुके हैं फाइनली घर के अंदर और पंडतानी पूजा कर रही है भोग लगा रही है और यहाँ पे सब आ चुके हैं और अंगीठी वापिस चला दिए क्योंकि बाहर से आए हैं तो ठंड लग रही है। देखो अगर ये ना होने इस कमरे के अंदर तो बैठ नहीं सकते हम बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे मतलब दूसरा शिमला बना हुआ है इस टाइम पे। ये आप कहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे कहीं जाएंगे शिमला शिमला झूठ बोल रहा है शिमला से कम हो रहा है तो देखते कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते बताता हूँ आपको जैसे भी होगा। गाइस गाइस मैं भोग लगा के आ चुकी हूँ और ये दूध मैं ही पीऊंगी सब बस बेटा बहुत बढ़िया। तो गाइस मैं और तन्नु आए हैं रात को गोलगप्पे खाने के लिए मतलब हम ये मान लो बहुत टाइम बाद निकले हैं बहुत ही ज्यादा टाइम बाद निकले हम दोनों अकेले ऐसे बाहर गोलगप्पे खाने के लिए। कैसे प्रोग्राम बनाते रात अचानक गोलगप्पे खाने का तुम्हारा मन किया ना खाने इसलिए और क्या और इसने ऐसी ड्रेस पहन रखी है पुलिस वाली लग रही है देखो भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ ऐसी लग रही है पुलिस वाले होते ना कि मेरे को साथ पकड़ के लेके जा रही है थाने जाके बंद करेगी और मैंने अपनी कैप वगैरह सब पहन रखी है ये इसके अटैच है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और पीछे का माहौल दिखाता हूँ खाली पड़ा एक तरीके से ठंड ज्यादा देखो गोलगप्पे वाला मिलता है कि नहीं मिलता जो पीछे की तरफ बैठा हुआ था वो तो है नहीं अब जा रहे हैं दान घाटी मंदिर के आगे अगर वो मिलता है तो फिर गोलगप्पे खाएंगे अगर नहीं मिला तो नहीं मिला तो घर आ जाएंगे लौट के गाइस एंड को यहाँ पे गोलगप्पे वाला मिल ही गया हार के कहीं पे भी नहीं मिला पूरे रोड पे यहाँ पे आके एक ही मिला भाई जब तो खाके गए नहीं जाए दर्शन करने आए थे तब। तो गाइस गोलगप्पे खाना अपना हो गया डन अब जा रहे हैं घर घर चल रहे सीधा तो हम जा रहे हैं सीधा घर की तरफ और मम्मी ने खाना वगैरह बना दिया वो देखते हैं उन्होंने क्या बनाया क्या नहीं बनाया फिर आपको दिखाते हैं और फिर सुबह निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो गाइस हम आ चुके हैं फाइनली घर और खाना वगैरह खाएंगे थोड़ी देर में इसको लगी है नज़र तो इसकी नज़र उतारी है मम्मी ने ये देखो कैसे काट रहा है इसको शिवा उसके दांत नहीं आए अभी ऐसे करता है ए मम्मी की कट्टी कट्टी कर लो आप ही करें लो पापा पीटू देखो पीटू मैचिंग मैचिंग हो रहा है। तो खाना वाना खाते हैं फिर सोते हैं मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में खाना खाने के टाइम पे। अच्छा तो गाइस ये आ चुका है मेरा दूध यहाँ पे भी ये भी पी रही है दूध मैं खाना नहीं खा रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी बाहर खाया था तो मेरे पेट भर रहा है और ये खेल के पास यहाँ पे सो रही है यहाँ पे सो रही तन्नु यहाँ पे ये यहाँ पे मैं यहाँ पे मम्मी। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर जिसमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो प्लीज़ सपोर्ट करो ताकि मैं और वीडियो बना सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर जय भोले की जय राम जी की।